तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे टाटा आईपीएल के मैच नंबर 66, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होगी। आपको बता दूं इस वीडियो में इस मैच की पूरी जानकारी, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, टॉस प्रिडिक्शन और ड्रीम इलेवन के फैंटेसी टीम सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चलिए एक बार पॉइंट्स टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल की रेस में कलकत्ता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और अभी नंबर 3 और नंबर 4 ये दो पोजीशंस अभी खाली है, जिसके लिए बड़े बड़े टीमें आमने सामने टकराने वाली है। और आज का जो मैच है दोस्तों ये होने वाला है नंबर 4 और नंबर 8 के बीच में, यानी कि अगर आज का मुकाबला हैदराबाद की टीम जीत जाती है तो इनके पास अभी 14 पॉइंट है, जीतने के बाद होंगे 16 अंक और 16 अंकों के साथ इनका क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा और इनके नाम के सामने क्यू जो है लिखा जाएगा। वहीं पे गुजरात खैर ये बाहर हो चुकी है, तो अगर आज का मुकाबला गुजरात जीत जाती है, वैसे गुजरात का यह आखिरी मैच है इस सीजन का, तो जीत के साथ 13 अंकों के साथ ये नंबर 6 पर होंगे और एक अच्छी कोशिश रहेगी कि ज़रूर, मतलब गुजरात यही चाहेगी कि सीज़न को एंड एक जीत के साथ किया जाए, लेकिन वहीं हैदराबाद इस मैच को जाने नहीं देगी क्योंकि हैदराबाद के पास अभी केवल 2 मैचेस बची हैं और इनके पास पूरा मौका है कि एटलीस्ट नंबर 2 तक पहुँचने का बढ़िया मौका है। क्योंकि देखिए अगर आज का मुकाबला हैदराबाद की टीम जीत जाती है तो 16 पॉइंट होंगे, अगला मैच भी जीत जाती है तो टोटल 18 पॉइंट होंगे और 18 अंकों के साथ नंबर 2 पर होगी। और अगर राजस्थान की टीम अगला मुकाबला जीत जाती है तो फिर एंड में डिसाइड करेगा कि दोनों में से किसका नेट रन रेट अच्छा है, उसके हिसाब से नंबर 2 पे रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 वाले को 2 मौके मिलते हैं, तो इसीलिए हैदराबाद की नजरें यही रहेगी कि कम से कम नंबर 2 तक पहुंचा जाए और इसी वजह से आज का मैच एकदम टक्कर की होगी। और आपको बता दूं आज का जो मैच है दोस्तों ये सीधा आप लोग हैदराबाद के ही होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से लाइव देखेंगे, जहां की ओवरऑल पिच की रिपोर्ट एकदम बैटिंग वाली है। मतलब जब हैदराबाद की टीम बैटिंग करती है तो पिच एकदम बैटिंग वाली होती है। आपको याद होगा पिछला मैच किस तरीके से हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला गया था और हैदराबाद की टीम आराम से 9 से 10 ओवर के अंदर ही रन को चीज कर ली थी, तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच एकदम बैटिंग वाली है। बाकी गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा और ग्राउंड के ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात करें तो अब तक आईपीएल के पूरे हिस्ट्री में 74 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से फर्स्ट इनिंग की जो एवरेज स्कोर है ये 162, सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर 150 रन है। ग्राउंड की अब तक की सबसे हाईएस्ट टोटल है 277 रन, जो कि हैदराबाद की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाई थी। वहीं पे हाईएस्ट चेज की गई स्कोर है 217, जो कि राजस्थान की टीम दिल्ली के खिलाफ चेज की है। लोवेस्ट डिफेंडिंग स्कोर 118, जो कि हैदराबाद की टीम पुणे के खिलाफ जो है डिफेंड करी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस पिच पे जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उनके जीतने की संभावना 41% है, जो टीम पहले बॉलिंग करती है उनके जीतने की संभावना 58% है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात हो या हैदराबाद, दोनों में से जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है। वहीं ग्राउंड पे जो लास्ट के 2-3 मैचेस खेले गए हैं अगर उनकी बात कर लें तो देखिए दोस्तों टाटा आईपीएल के 57th मैच, 50th मैच और 41st मैच इसी ग्राउंड पे खेला गया था और इन तीनों मैचेस में 2 मैचेस हैदराबाद की टीम जीती है, 1 मैच अवे टीम जो कि आरसीबी की टीम जीती थी। और इन सभी मैचेस में देखिए 206 रन, 171, 201, 200, 165 और 167 केवल 9.4 ओवर में, यानी कि इतना तो कह सकते हैं कि आज के इस मैच में कम से कम कुछ नहीं तो 190 प्लस की स्कोर बनेगी। और हैदराबाद की टीम काफ़ी मजबूत है, बैटिंग लाइनअप भी इनका काफ़ी स्ट्रांग है और टीम भी अच्छे फॉर्म में है, तो कह सकते हैं कि हैदराबाद की जीतने के चांसेस आज काफ़ी ज़्यादा है। बाकी इन तीनों मैचेस की दोस्तों बात कर लें ओवरऑल, तो देखिए इस वाले मैच में फर्स्ट बैटिंग को जीत मिला, इस वाले मैच की बात करेंगे तो खैर ये मैच एकदम आखिरी बॉल तक गई थी और इस वाले मैच में भी दोस्तों सेकंड बैटिंग वाले को विन मिला है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस पिच पे सेकंड बैटिंग वाली की जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज बारिश आने की संभावना है 40%, टेम्परेचर थोड़ी हाई होगी लेकिन ह्यूमिडिटी भी है और ह्यूमिडिटी होने की वजह से सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी
उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जो 40% चांस है ये और कम हो जाए और बारिश ना हो और एक बढ़िया मैच हमें देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इस समय अगर दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म की बात कर लें तो देखिए हैदराबाद की जो टीम है दोस्तों ये अपना पिछला मुकाबला जीत करके आ रही है और गुजरात की जो टीम है ये भी अपना पिछला मुकाबला जीत करके आ रही है, लेकिन दोनों ही टीमें काफ़ी सिमिलर हैं। भले पॉइंट्स टेबल में एक ऊपर और एक नीचे क्यों ना हो, लेकिन दोनों टीमें लास्ट के 5 में से केवल 2 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस हारी हैं। और ये दोनों टीमों का हाल है, देख सकते हैं दोनों टीमें 2-2 मैचेस जीती हैं और 3-3 मैचेस हारी हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड के मामले में गुजरात की टीम दोस्तों काफ़ी मजबूत है, क्योंकि टाटा आईपीएल के पूरे हिस्ट्री में टोटल 4 बार ये दोनों टीमें आमने सामने टकराई हैं और इस 4 बार में 3 बार गुजरात को जीत मिला है और केवल 1 बार हैदराबाद की टीम जीती है। और ये 1 बार दोस्तों जो हैदराबाद की टीम जीती है वो आज नहीं, टाटा आईपीएल 2022 में जीती थी, यानी कि 2022 के बाद आज तक 2024 आ चुका है और आज तक हैदराबाद की टीम जो है गुजरात को नहीं हरा पाई है। पहली बार हैदराबाद को जीत मिला, उसके बाद लगातार गुजरात टाइटंस की टीम हैदराबाद को हरा रही है। इसी साल की बात कर ले तो 2024 में भी एक मैच अहमदाबाद के ग्राउंड में खेला गया था, वहां पे गुजरात टाइटंस को जीत मिला था। और आपको बता देना चाहूंगा कि अभी तक एक और चीज यहां पे देखने वाली बात है कि गुजरात और हैदराबाद अभी तक हैदराबाद के ग्राउंड में नहीं टकराए हैं। इनमें ये जो 4 मैचेस हुए हैं उनमें से 2 मैचेस अहमदाबाद में खेले गए थे, 1 मैच वानखेड़े में और 1 मैच मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में। लेकिन आज अलग ग्राउंड है, हैदराबाद का होम ग्राउंड है और हैदराबाद की टीम अपने ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत होती है। तो इस समय दोस्तों अगर सारे स्टैट्स को अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेरे हिसाब से 85% चांस है कि आज के इस मैच में हैदराबाद की टीम जीत सकती है। बाकी टॉस के बाद जो है डिसाइड, मतलब फाइनल रिपोर्ट हम लोग बता सकते हैं कि भाई कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है, उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल दोस्तों अगर आप लोग फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो आज के इस मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन, शुभमन गिल, शाई सुदर्शन, डेविड मिलर, इन बल्लेबाजों को अपनी टीम में जरूर शामिल करें। कैप्टन वाइस कैप्टन्स में ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और शाहरुख खान, इनमें से किसी 2 खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। गेंदबाजों की बात करेंगे तो टी नटराजन, राशिद खान और पैट कमिंस आपको आज अच्छे खासे विकेट दिला सकते हैं और विकेट दिला करके पॉइंट भी दे सकते हैं। तो ये रही आज के कुछ फैंटेसी टिप्स। और साथ ही साथ दोस्तों टॉस और मैच प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तो फिलहाल देखिए फाइनल टॉस रिपोर्ट और मैच रिपोर्ट तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अभी के लिए जो मैच विनर होगा ये है SRH की टीम। और अगर टॉस प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तो ये भी है SRH की टीम, यानी कि टॉस हो या मैच, दोनों की टीम, दोनों ही चीजें हैदराबाद की टीम विन कर सकती है। बाकी कोई भी चेंजेस या अपडेट होता है तो वो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बाकी शाम को आपसे मुलाकात होगी सीधा टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।